शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामबाग स्थित आइसोलेशन अस्पताल की दीवार के पीछे 25 सालों से बस्ती है, जहां पर लोगों ने छोटे मकान का निर्माण कर अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन मनपा के धंतोली जोन की ओर से उन्हें मकानों का अतिक्रमण 3 दिन के अंदर निकालने की चेतावनी दी गई, जिससे बस्ती वाले नागरिक डरे हैं और सहमे हैं। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी ये स्पेशल रिपोर्ट। शहर के रामबाग परिसर में आइसोलेशन अस्पताल का निर्माण 1964 में किया गया था। इस अस्पताल प्रांगण में एक दीवार दिखाई दे रही है और इसी दीवार के बाजू में है काफला बस्ती। जी हाँ, ये वो बस्ती है जो 1995 को यहाँ पे इसी दीवार से लगकर लोगों ने अपने मकान बनाए। आज 25 वर्ष हो चुके हैं लोग यहाँ अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर करते हुए रह रहे हैं। इन मकानों में नागपुर महानगर पालिका द्वारा टैक्स भी लगाया गया है और जल प्रदाय विभाग द्वारा पानी भी दिया जा रहा है। ऐसे होने के बावजूद म्यूनिसिपल कमिश्नर तुकाराम मुंडे, इन्होंने आइसोलेशन अस्पताल का मुआयना किया तो उन्हें अतिक्रमण दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने धंतोली जोन को आदेश दिए। कमिश्नर के आदेश मिलते ही धंतोली जोन द्वारा यहां के लोगों को नोटिस थमाया गया, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर ये तमाम मकान अतिक्रमण पूरी तरह से तोड़ा जाए, जिसके चलते काफला इस बस्ती के परिसर के नागरिकों में खलबली सी मच गई है। हर कोई बेचैन है, डरा सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिन में मकान को खाली करना है, ऐसे में ये लोग काफी परेशान हैं। आखिरकार जाए तो जाए कहां, ये सवाल उनके मन में अभी भी उभर रहा है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से ये लोग यहां पर अपना वास्तव कर रहे हैं। इस बारे में परिसर के लोगों ने इन विषय समक्ष जानकारी दी। 1995 में बने ये वही मकान है जो काफला बस्ती में आते हैं। आइसोलेशन जो यहाँ पे एक अस्पताल है, अस्पताल के बाजू की जो दीवार है उससे लगे हुए ये तमाम मकान पिछले 95 से ये बन चुके हैं। तकरीबन 25 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते मनपा के जो कमिश्नर है तुकाराम मुंडे जी, इन्होंने इन लोगों को ये मकान पूरी तरह से हटाने के लिए इन्हें कागजात दिए हैं। आखिरकार ये क्या है मामला, ये जानना चाहेंगे। इस समय में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे आप? मैं चाहती हूँ सर, 20-25 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और तुकाराम मुंडे कल राउंड के लिए आए और एकाएक यानी घर तोड़ने की बात कर रहे हैं और 1995 से हम यहाँ रह रहे, तो इस हम कहाँ जा सकते हैं? अभी महामारी चालू है तो हम छोटे छोटे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बाल बच्चे, अभी बरसात पानी की टेम है, बरसात पानी के टाइम में बाल बच्चा छोड़ के झोपड़पट्टी तुरंत आए, दिन में आए और शाम को नोटिस आ गई सर, यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बाल बच्चा लेके? 25 साल से यहाँ रह रहे हैं हम, 1995 से यहाँ रह रहे हैं हम लोग और छोटे बच्चे, कोरोना का ये महामारी है, बारिश के समय में एकदम से हमको 3 दिन का निकालने का नोटिस दिया गया है, जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं थी। एकाएक एकदम से नोटिस आया तो हम लोगों ने कहाँ जाना चाहिए उसके लिए कुछ। यहाँ पे 25 साल से रह रहे हम और एकदम से हमको नोटिस आया, 25 साल जब यहाँ पे झोपड़पट्टी बैठी थी तब किसी ने नोटिस नहीं दिया, पर जब हम अभी 25 साल हो चुके हमको रहने के लिए तो अभी हमको नोटिस दे रहे, तो ये किस बात पे से दे रहे हमको ये जानना सब। ये हम लोग 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ का घर टैक्स, पानी का बिल, नल का बिल, सब चीज़ हम बराबर भरते हैं। अचानक से 3 दिन पहले यहाँ पे मुंडे साहब आए और बोलते हैं कि यहाँ पे नोटिस जारी करो, ये मकान तोड़ने का है, यहाँ पे वायरस वाले लोग आने वाले हैं, डॉक्टर लोग, उनके कर्मचारी जो है यहाँ पे, उन लोगों के सामने हमको ये सब बातें बोले हैं, तो उन्होंने आर्डर इशू करके हमको ये सब आर्डर कॉपी बांटे साहब। अब 3 दिन की हमको मोहलत दी जा रही है, अब 3 दिन में मकान कहाँ खाली करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, वैसा हमको बताओ। मकान 20 है यहाँ पे और यहाँ की संख्या 80-90 लोग है, अब 80-90 लोग बेरोजगार होंगे तो जाएंगे कहाँ? जाए तो जाए कहाँ, थोड़ा सा पहन करके बताए। देखिए महिला भी बड़ी संख्या में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़क पे आई हुई है, अब हर किसी के चेहरे पे एक अलग भाव दिखाई दे रहा है कि करे तो करे क्या, रहे तो रहे कहाँ। बारिश का मौसम है, ऐसे में बेघर
होने की इनके ऊपर में ये बात आई है। चलिए यहाँ के जो पार्षद है विजय चुटेले उनसे जानना चाहेंगे। विजय ये बताएं कि जिस तरह से आज आपके इस परिसर के नागरिकों को कमिश्नर द्वारा जो नोटिस दिया गया है ये अतिक्रमण में है आइसोलेशन वार्ड के दीवार को लग के, ऐसा उनका कहना है। आपको, आप पार्षद हो क्या, आपके ध्यान में ये नहीं, आपको नहीं लगता कि अतिक्रमण में आ रहा है? सबसे पहले तो मैं मुंडे साहब को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने कल अचानक आइसोलेशन हॉस्पिटल का कामकाज चेक करने के लिए यहाँ पर निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि आइसोलेशन हॉस्पिटल की दीवार से लग के जो घर बने हुए हैं उनको तोड़ने का तुरंत ऑर्डर उन्होंने धनतुली जोन के अधिकारियों को दिया। ठीक उसके एक दो घंटे बाद अधिकारी पूरे धनतुली जोन के आए, उन्होंने मोजमाप किया और शाम तक इनको सबको नोटिस इशू हुए। नोटिस में सीधा साफ शब्दों में लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर आप लोग ये घर खाली कर दें। अभी आप लोगों को पता है कि पूरे भारत भर में अभी महामारी का सा समय चल रहा है, निरंतर नागपुर शहर में भी कोरोना वायरस के पेशेंट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उसी के चलते अभी बरसात भी यहाँ पर शुरू है और बरसात में ऐसे समय में इन लोगों को जो नोटिस 3 दिन का जारी किया गया है, इस 3 दिन में पूरी घर गृहस्थी और पूरे परिवार को कहीं ले आकर सेटल कर पाना आज इनके लिए उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है। मैं इनसे सिर्फ मुंडे साहब से ये बोलना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से इनको अतिक्रमण का नोटिस दिया है, आज ये 95 से ये टैक्स भर रहे, 95 से जो अधिकारी ने यहाँ पे टैक्स लगाया तो वो अधिकारी को नहीं दिखा था कि ये अतिक्रमण है, उन्होंने टैक्स क्यों उसी किया? ये देखिए टैक्स की कॉपी मेरे पास में है, इसमें 95 और 96 से इनको टैक्स लगा के दिया गया है, तो वो अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है जिन्होंने इनको यहाँ पे टैक्स लगा के दिया और टैक्स की वसूली जो अभी तक करते आ रहे। अब आप क्या चाहते हो? अभी हमारा ये बोलना है कि अगर ये 95 से यहाँ पे रह रहे हैं, जो नागपुर महानगर पालिका ने 95 से जो घर का टैक्स ले रही है इमले का, उसके बाद पानी का बिल ले रहे हैं, इस प्रकार की जो टैक्स इन्होंने भरे तो इनको मुआवजे के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर यह आइसोलेशन हॉस्पिटल की दीवार है, यहाँ से सड़क के जितने भी 20-25 मकान है, इन मकान को पहले इनकी पराया व्यवस्था करके दी जाए जी। और पराया व्यवस्था करने के बाद ही इनको यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा यहाँ के लोग जो बेघर होंगे इसके लिए हम पूरे लोग अपने नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर ऑफिस के सामने इनका निवारा बना के देंगे और वहीं पर ही निषेध हम तुकाराम मुंडे के खिलाफ करेंगे। जब तक इनकी पराया व्यवस्था होती नहीं, जब तक यहाँ से घर खाली करने के लिए सब लोग यहाँ पे असमर्थ है और ऐसा होने के ना हो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनको पराया व्यवस्था करके दी जाए। 1995 से अगर ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी कारपोरेशन के अधिकारी का यहाँ पे ध्यान नहीं है, उन्हें टैक्स के लिए यहाँ पावती तक दी जा चुकी है, इनसे टैक्स वसूला जा चुका है, लाइट वाले ने लाइट दे दिया, नल वालों ने नल दे दिए है, और अब की बार अतिक्रमण कार्रवाई के नाम पे तुकाराम मुंडे जी ये काम कर रहे हैं। काम जरूर करना चाहिए क्योंकि आइसोलेशन की ये जो बिल्डिंग है यहाँ कोरोना पॉजिटिव के मरीजों को लाया जाएगा, उनका संक्रमण न बढ़े ये बात भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके पहले में इन लोगों की पर्यायी व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र जीने वाले ये लोग पूरी तरह से आज़ाद है या गुलाम एक देखने वाली बात होगी। तुकाराम मुंडे जी ने 3 दिन का इन्हें अल्टीमेटम दिया है, तो वही यहाँ के पार्षद दीपक चुटे विजय चुटेले इन्होंने 3 माह का अवधि बताया है, 3 महीने तक पर्यायी व्यवस्था करे, हमें समय दे, अगर समय कॉरपोरेशन नहीं देती है तो पक्के में ये लोग पूरे एक साथ होकर मनपा के उस प्रांगण में जाएंगे और वहाँ पर अपना निवारा बनाएंगे। इस तरह की चेतावनी भी नगर सेवक विजय चुटेले और उनके तमाम साथियों ने दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिन में मनपा के तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है और इन लोगों के तरफ से क्या कामकाज होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि घोड़ा मैदान जो नज़दीक है, एक तरफ लोगों को जीने के लिए समय नहीं, एक तरफ लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग रह रहे हैं उनको भी बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे कामकाज हो रहे हैं। और मनपा के आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा ये जो काम है ये कितना सराहनीय है या फिर इन लोगों के लिए कितना घातक है या इनके कोई कामकाज नहीं है, एक देखने वाली बात है। इमामवाड़ा परिसर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।